हेलो एवरीवन, वेलकम टू textbook.com। आज की इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स। अगर आपको किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग वो मल्टीप्लिकेशन कैसे आराम से इजली कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं बोलता हूँ आपको कि आपको मल्टीप्लाई करना है 24 × 48 से, तो इसके कई मेथड होते हैं कैलकुलेशन करने के। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कई तरीके से होते हैं, मैट्रिक्स से करते हैं, कोई अलग तरीके से करता है, तो आपको सारे मेथड्स नहीं देखने हैं। आप लोगों को क्या करना है, अगर 24 में 48 का मल्टीप्लाई करना है सो हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे समझेंगे थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है आपको, 8 में 4 का मल्टीप्लाई करना है। 8 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा, 32 का 2 कैरी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 8 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर में करेंगे, और जैसे ही आप इस 8 का मल्टीप्लाई इस नंबर में करते हैं तो ये वाला नंबर इसका पीछा करना स्टार्ट करेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 16, और 4 जा कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 3 कितना बन जाएगा 35 का 5, कैरी कितना आ जाएगा 3, हमारे पास कैरी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, अब आपने क्या किया, 8 का मल्टीप्लाई 4 से भी कर दिया, 8 का मल्टीप्लाई 2 से भी कर दिया, सो अब क्या करना है आपको, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करना है। 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, सो आपका आंसर कितना बनेगा 1152 आपका आंसर हो जाएगा। अभी बहुत से स्टूडेंटों को समझ में नहीं आया किया क्या है, सो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं किया क्या है हम लोगों ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसे आपको करना है 43 में मल्टीप्लाई करना है 37 का। सो समझेंगे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा कितना होगा 21 का 1, कैरी मैंने कितना ले लिया 2 का। अब मैंने 7 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया है, तो अब मैं 7 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 4 से करूंगा। अब 7 का मल्टीप्लाई जब 4 से किया कितना हो जाएगा 28, जब मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये वाला नंबर इसका पीछा करते हुए यहाँ आ जाएगा। 7 4 जा 28, 3 3 जा 9, 28 प्लस 9 37, 37 प्लस 2 कितना बन जाएगा 39 का 9, कैरी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्या हुआ, 7 का मल्टीप्लाई दोनों नंबर से हो चुका है, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, सो आपका आंसर कितना बन जाएगा 1591 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप ये मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो कई बार हमारे पास क्या होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। कई बार आप लोग देखते हैं कि यूनिट प्लेस से हम लोग सॉल्व करने जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दो यूनिट प्लेस सेम हो जाती है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसका 10th प्लेस देखते हैं। तो अगर ये मेथड से देखते हैं, आपने यूनिट प्लेस निकाल लिया, उसके बाद 10th प्लेस निकाल लिया और ऑप्शन से चेक कर लिया, जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस मिलता है आपका सेम, वही आपका आंसर होगा। सपोज यूनिट प्लेस से नहीं मिलता है तो हम 10th प्लेस देखेंगे और आंसर देख लेंगे। ठीक है, अब जैसे बड़ा नंबर दे दिया कि सर क्या ये जरूरी है 2x2 डिजिट में यूज करेंगे, तो नहीं, हम लोग बड़े नंबर में भी इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए लार्जर नंबर कैसे होगा, सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 234 में मल्टीप्लाई करना है 23 का, 234 में मल्टीप्लाई करना है 23 का। अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 में 4 का मल्टीप्लाई, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 का 2, कैरी कितना आया 1 हो जाएगा। अब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, अब जैसे ही 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इसका पीछा करना स्टार्ट करेगा। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 8 प्लस 9 17 प्लस 1 18 का 8, कैरी कितना आया 1। अब 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, और जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे हम लोग, 2 इसका पीछा करना स्टार्ट करेगा। सो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 3 2 जा कितना होगा 6, 6 प्लस 6 कितना होगा 12, 12 प्लस 1 कितना होगा 13, तो 13 का हम लोग लिखेंगे 3, कैरी आया 1। अब हमने 3 का सभी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, सो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना मिल जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना मिल जाएगा 5, 5 3 8 2। शायद हो सकता है कि आप लोगों को ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, क्यों, क्योंकि आप लोग अभी तक बचपन से क्या करते हैं कि 23 में अगर आपको 234 का मल्टीप्लाई करना है तो आप बोलेंगे सर ये मेथड ईजी हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे इस टाइप से तो ईजी हो जाएगा। बट अगर आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस से इस मेथड से करेंगे सो आपका कैलकुलेशन अपने आप आपको दिखेगा कि इंप्रूवमेंट आने लगा है आपके कैलकुलेशन में। एक और थोड़ा सा लार्जर नंबर ले लेते हैं सो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम नंबर ले लेते हैं कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 23432 में मल्टीप्लाई करना है 34 का, तो अब मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर मैंने 4 में नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई किया, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 इसका पीछा करेगा, 4 3 जा कितना होगा 12, 3 2 जा कितना होगा 6, 12 प्लस 6 कितना होगा 18 का 8, कैरी कितना आएगा 1 कैरी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16, और 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, 16 प्लस 9 25 प्लस 1 26 का 6, कैरी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 24 प्लस 2 26 का 6, कैरी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 4 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 4 में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, 4 2 जाए 3, 3 जा 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 2 कितना हो जाएगा
19 कट 9 कैरी 1 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 7 9 6 6 8 आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि कभी भी किसी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, नंबर कितना ही बड़ा हो, आप पहले पीछे वाला नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके आगे वाला नंबर इसका पीछा करेगा। एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ताकि आपको चीज़ें ईजी हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, उसके बाद अगर आप 5 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका कैलकुलेशन कितना जल्दी फास्ट होने लगा है। सो एक और बार देखते हैं क्या किया था हमने, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8, फिर 4 में मल्टीप्लाई किससे किया 3 का, और जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई 3 का किया तो पीछे वाला पीछे का फॉलो करेगा, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, 18 का एड कैरी 1 आ गया। फिर 4 में मल्टीप्लाई किया 4 का, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 25 25 प्लस 1, 26 का 6 कैरी कितना है 2 है। 4 में मल्टीप्लाई किया 3 का, 4 में मल्टीप्लाई किया 3 का कितना हो गया 4 3 जा 12, 12 प्लस 12, 24, 24 प्लस 2, 26 का 6 कैरी कितना है 2 है। अब 4 का मल्टीप्लाई किया किसका 2 का, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8, 3 3 जा 9, 9 प्लस 8, 17 प्लस 2, 19 का 9 कैरी आया 1। अब लास्ट में 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 1, 7 आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए थैंक यू सो मच।